ओके हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 76। इट सेज अ गन ऑफ मास कैपिटल एम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड वी। द गन इज फिटेड विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ फेसिंग टुवर्ड्स द रिसीडिंग बुलेट। फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड द इमेज जस्ट आफ्टर द गन वॉज फायर्ड। ओके सो व्हाट इज गिवन, हमारे पास एक गन है, इस तरह से ये एक गन है। इस गन का मास कैपिटल एम है एंड ये आपके पास बुलेट है, इस बुलेट का मास स्मॉल एम है एंड एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ है गन पे, समथिंग लाइक दिस, राइट। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो आपको एफ गिवन है। नाउ ये जो बुलेट है इसकी स्पीड आपको गिवन है वी। सो देखो, जब ये जो गन है इस बुलेट को फायर करेगा, देन ये जो गन है ये रिकॉयल भी करेगा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगी पीछे के डायरेक्शन में, लेट्स से वी वन। वी वन क्या है? रिकॉयलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। ये क्यों आती है? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लाइक ये जो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है, इसको अगर मैं सिस्टम लेता हूँ, देन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। इट मीन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये बातें हमने कहाँ पे की थी? सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, है ना। तो ये जो गन है इसका एक रिकॉइलिंग वेलोसिटी आता है, बेसिकली गन के पास एक वेलोसिटी आएगा पीछे के डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेट जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो था सिस्टम का, तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो रहेगा। इट मीन्स इस बुलेट का जितना मोमेंटम आगे की तरफ है उतना ही मोमेंटम होगा इस गन का पीछे की तरफ, कैपिटल एम इंटू वी वन। सो यहाँ से जो वी वन की वैल्यू आएगी वो आएगी एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो आपकी गन है वो पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। नाउ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है एंड ये जो मिरर है ये पीछे की तरफ मूव करता है विद वेलोसिटी वी वन, एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली बुलेट है उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है कितनी? वी। सो हमें बताना है कि इमेज की वेलोसिटी पहले कितनी होगी। बेसिकली पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इमेज की वेलोसिटी कितनी है। सो इमेज की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तब भी काफ़ी सिंपल है डेरिवेशन। देखो, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। अगर हम दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो राइट हैंड साइड में एफ है, दैट इज 1/f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो कि कॉन्स्टेंट है। सो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। 1/u का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/u² इंटू du/dt प्लस 1/v का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/v² इंटू dv/dt। सो यहां से dv/dt की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है माइनस ऑफ v² / u² इंटू du/dt, राइट। ये आ रही, एंड आप देखो कि v/u ये होता है मैग्नीफिकेशन, है ना, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, माइनस का वी बाई यू होता है, माइनस का वी बाई यू इज इक्वल टू एम, दैट इज मैग्नीफिकेशन, और दैट इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहां से आप देखो कि v² / u² अगर हम स्क्वायर करते हैं सो दैट विल बी बेसिकली एम स्क्वायर, है ना। सो इसको इस तरह से याद रखो, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू du/dt। ये फॉर्मूला जो है ना आपको याद होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, v क्या है? v है इमेज का डिस्टेंस मिरर से। सो dv/dt क्या है? v किस रेट से चेंज हो रहा है, बेसिकली जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से वो किस रेट से चेंज हो रहा है। इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से जिस रेट से चेंज होता है उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर, राइट, इनटू यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। du/dt क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से किस रेट से चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जिस रेट से चेंज होता है उसे ही हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये वेक्टर फॉर्म में है ना, ये सभी वेक्टर फॉर्म में आते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर
इनटू वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो यहां से देखो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट कर सकते हो, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर प्लस में चला जाएगा और ये माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो बेसिकली वन प्लस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो कई लोग ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद कर लेते हैं है ना वेक्टर फॉर्म में, बट एनीवे इसका डिफरेंशिएशन करके बेसिकली जो मिरर फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन करके ही आता है। सो याद अगर नहीं रहता है तो भी क्विकली आप डेराइव कर सकते हो राइट। नाउ यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। आप देखो जो कंडीशन थी हमारे पास, ये आपके पास मिरर था राइट और ये आपके पास बुलेट था एंड जो बुलेट है उसकी जो स्पीड है आगे की तरफ कितनी थी वी दे रखी थी और जो मिरर है उसकी पीछे की तरफ वेलोसिटी कितनी थी वी वन राइट। और मैग्निफिकेशन की बात करें सो देखो अगर हम उसी इंस्टेंट पे बात करें जब बुलेट फायर किया गया था उस टाइम पे जो बुलेट था और जो मिरर था उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो तो जीरो था, यू का जो वैल्यू था वो तो जीरो था राइट। सो वी का वैल्यू भी जीरो होता है और उस केस में जो मैग्निफिकेशन आता है वो वन आता है। लाइक अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है एंड उसके पोल पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पोल पे ही इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। सो बेसिकली जो मैग्निफिकेशन आता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो वन निकल के आता है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम होती है सो दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन कितना होता है वन। सो इस केस में जब जस्ट हमने बुलेट को फायर किया था उस टाइम पे जो बुलेट का डिस्टेंस था मिरर से वो जीरो था। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर जीरो है बेसिकली पोल पे आपका ऑब्जेक्ट है राइट, सो मैग्निफिकेशन वन होगा। सो एम का वैल्यू कितना लेना है आपको वन। ओके वैल्यूज पुट करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर दैट इज वन का स्क्वायर सो वन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मिरर देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर पीछे की तरफ है राइट, वेक्टर फॉर्म में रखना है सो बेसिकली आपको यहाँ पे माइनस ऑफ वी वन लेना पड़ेगा माइनस एम स्क्वायर दैट इज वन। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी आगे की तरफ वी है सो वी बेसिकली आगे का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया ना। सो देखो यहाँ से जो निकल के आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू वी वन माइनस ऑफ वी। अब वी वन की जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट की थी वो पुट कर दो माइनस टू एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम है ना माइनस वी। वी वन की वैल्यू, वी वन आपको गिवन नहीं है ना, वी वन की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, कहाँ पे किया था वी वन की वैल्यू, ये रहा है ना स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। सो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की जो वेलोसिटी है वो निकल के आ रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकल के आ रही है माइनस माइनस अगर मैं बाहर ले लेता हूँ माइनस वी अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस वन राइट। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये वेक्टर फॉर्म में है ना, सो नेगेटिव साइन है इट मीन्स जो आपकी इमेज है ना, जो आपका ये बेसिकली अगर मैं कहता हूँ इमेज है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ है कितनी वी टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस वन और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है वी। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, आप इस तरह से कह सकते हो। और आप इस तरह से देखो कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी एड होगी। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आएगा वो आएगा वी प्लस वी टू एम बाय कैपिटल एम प्लस वन, बिकॉज दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एड हो जाएगी। और आप क्या फाइंड आउट कर लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आप फाइंड आउट कर लो, या फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर फॉर्म में है ना। सो इसको सॉल्व करो वी, सो बेसिकली 2 प्लस 2 एम बाय कैपिटल एम, सो अगेन 2 हम बाहर ले सकते हैं तो 2 वी 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। अच्छा अगर आप इसमें रखते वैल्यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ वी है राइट सो वो वी हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज।
सो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये पीछे की तरफ आएगी, सो नेगेटिव, सो एक नेगेटिव यहाँ है और एक नेगेटिव इसका, तो बेसिकली वो प्लस हो जाएंगे, है ना वी, और ये हो जाएगा टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस वन। इतना करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन प्लस होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, कीप वर्किंग एट, बेस्ट ऑफ लक।